यह मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करते थे, वो इसकी हत्यारी है। जहाँ से इन सुख चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। ये रिया चक्रवर्ती हमारे बच्चे को तो बूंद बूंद जहर दे करके मार दिया है। ऐसी अपराधी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो FIR था वो एबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, एबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध है। सुशांत का परिवार पहले दिन से ही आरोप लगा रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई, और अब एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने भी सुशांत की सुसाइड वाली थ्योरी पर सवाल उठा दिए हैं। और ये सवाल उठे हैं सुशांत के गले पर मौजूद जख्म के निशान को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के गले में मौजूद लिगेचर मार्क यानी जख्म के निशान उनके गले के बीच में है और एक सीधी लाइन की तरह दिखाई देता है, जबकि सुसाइड के मामले में लिगेचर मार्क गले के एकदम ऊपरी हिस्से में होता है और तिरछे आकार में होता है, और ये निशान खरोच की तरह दिखते हैं। और यही बात एम्स के डॉक्टरों को सुशांत के सुसाइड पर संदेह के लिए मजबूर कर रहे हैं। सबसे पहला जो एक जो शक पैदा करता है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो है कि जो स्टार्टिंग में टाइम ऑफ डेथ इज नॉट गिवन। टाइम ऑफ डेथ जब नहीं होता है तो ये पता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कितनी देर पहले मृत्यु हुई। तो इससे ये बात समझ में नहीं आएगी कि रात को उनकी डेथ हुई कि दिन में डेथ हुई, ठीक है। दूसरी बात, जब मुझे पता लगा कि टाइम ऑफ डेथ नहीं है तो मैं फिर हर एक चीज को शक की नजर से देखता हूँ। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद सीबीआई ने एम्स की मदद मांगी थी, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों की एक टीम ने मुंबई जाकर सुशांत के फ्लैट पर पूरी घटना का रिक्रिएशन भी किया था और सुशांत के शव की तस्वीर के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की है, जिसका जवाब सुशांत के शव का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों को देना होगा। इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि सुशांत के गले पर मौजूद जख्म के निशान पर आप लोगों की क्या राय है। दूसरा सवाल ये कि आपने इस बात को कैसे खारिज किया कि सुशांत का गला नहीं घोटा गया था। तीसरा सवाल ये कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि सुशांत की मौत कुर्ते से फंदा लगाने से हुई। और चौथा सवाल ये कि सुशांत की मौत को लेकर दुनिया के सामने जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उसके जवाब आप कैसे देंगे। ये वो सवाल है जिनका अब सुशांत के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को जवाब देना है, और जानकार मानते हैं कि उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो उनकी तस्वीर वायरल हुई है उस तस्वीर में कम से कम ऐसा नहीं दिखाई देता है। उस तस्वीर में चोट का जो निशान है गर्दन पर वो बीचों बीच है गले के और एक सीधी लकीर में है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ऑटोप्सी को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों ने जो सवाल उठाए हैं वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कई बड़े सवाल खड़े हो गए थे जिसके संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिले। मसलन, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय नहीं लिखा गया। मुंबई पुलिस ने जल्दबाजी में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों कराया? इतनी क्या जल्दी थी कि सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम रात को ही करा दिया गया? और पोस्टमार्टम से पहले सुशांत सिंह राजपूत का कोरोना टेस्ट क्यों नहीं किया गया? सवाल ये भी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की आशंका को क्यों खारिज किया गया? सूत्रों के मुताबिक सुशांत के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने सीबीआई को बताया कि मुंबई पुलिस के कहने पर ही सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठने वाले इन्हीं सवालों को आधार बनाकर सुशांत के परिवार ने सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की मांग की थी। टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें। अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकलता है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले तो सब झूठ है बिल्कुल। इसलिए ये सब बहुत सी अहम बातें हैं जो कि फॉरेंसिक अगर अभी भी उसकी ठीक तरह से उसकी पूरी तहकीकात की जाए और उसको एक एक्सपर्ट नजरिए से देखा जाए तो बहुत सी बातें इसमें निकल सकती हैं। सुशांत की मौत का रहस्य खोलने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी, और जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां सामने आ रही हैं उससे इस केस में रिया चक्रवर्ती के साथ साथ कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध हो गई है।
एम्स की मेडिकल टीम जिसमें 3 डॉक्टर शामिल हुए हैं, उन्होंने मुंबई जाकर ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टर से यही पूछा है कि बताइए आखिर इस लाइगेचर मार्क यानी चोट के निशान पर आपकी फाइंडिंग क्या थी, बताइए आपने मर्डर को रूल आउट कैसे किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।